नमस्कार, आज हम लोग सीतामढ़ी में हैं और सीतामढ़ी में आप लोग को एक ऐसे शख्स से परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने सीतामढ़ी के इंटरमीडिएट के छात्रों को भविष्य संवारने में काफ़ी मदद की है। वो है अजय सर, मैथमेटिक्स। ये इंटरमीडिएट के छात्रों को मैथ पढ़ा रहे हैं, पिछले विगत कई वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं। काफ़ी इन्होंने लड़के को भविष्य संवारा है, तो आज इनसे अपने चैनल पर जो है आपको बुलाकर और कुछ जानकारी इनसे आपको दिला रहा हूँ। तो सर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो सर आप मेरे चैनल पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष आज आपको कुछ सवाल हम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की जो छात्रों की जो सवाल होते हैं, कुछ पेरेंट्स के सवाल होते हैं, उसी के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि जीवन में बहुत से प्रोफेशन होते हैं, लेकिन आपने इस प्रोफेशन को ही चुना, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इस प्रोफेशन को के चुनने के पीछे बहुत कारण है कि जब हम 8-9 क्लास में पढ़ते थे उस समय जो है मैथ के टीचर जो हुआ करते थे, मैथ जो हम लोग को पढ़ाया करते थे, तो वो सिर्फ फार्मूला लिख देते थे और मेन मेन टॉपिक को छोड़ देते थे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देते थे, अलजेब्रा पढ़ा देते थे, जियोमेट्री के ऊपर फोकस नहीं करते थे और फार्मूला लिखकर जो है क्वेश्चन करवा देते थे। और पहला तो ये कारण हुआ कि जो हम पढ़े थे जिनसे 9th-10th क्लास में, तो हम उनसे संतुष्ट नहीं थे, मैथ का टीचर जो है जो जिनसे पढ़े थे। सेकंड कि 2001 की बात है, जब पटना हम गए तो वहाँ एक टीचर मैथ का शिक्षक जो हैं से काफ़ी प्रभावित हुए। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था बहुत ही अच्छा था, काफ़ी कैलकुलस तोड़ तोड़ कर पढ़ाया करते थे। 2001 की ही बात है कि हम ट्यूशन कर रहे थे 2001 में, और उस समय हमारे पास पैसा का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। घर से पैसा तो मिलता ही था, लेकिन फिर भी जो है कि थोड़ा हम खर्चील थे, तो एक ट्यूशन जो है पकड़ लिए थे। और एक उस लड़का का नाम कौशल था, पढ़ने में अच्छा था, उनके पिताजी कस्टम इंस्पेक्टर थे। अभी कहाँ हैं, कभी अगर वो इंटरव्यू देखे तो ज़रूर हमको फ़ोन जो है कि करे। वो लड़का से जो है अभी हम जानना चाहते हैं कि अभी किस कहाँ किस जगह पर है। तो उसको इंटर का जो है कि मैथ हमने पढ़ाया और उसको मैथ में काफ़ी अच्छा नंबर आया, और उस लड़का का जो है सिलेक्शन इंजीनियरिंग में भी हो गया। हम भी तैयारी करते थे, लेकिन जो है उस तरह का तैयारी हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है कि हमारा जो है मैथ से जो है कि ज़्यादा प्रेम था। मैथ जो है कि पढ़ते थे, मज़ा आता था पढ़ने में। और सेकेंड तो ये हुआ कि उस टीचर से काफ़ी प्रभावित हुए। थर्ड जो है कि हमने देखा समाज में काफ़ी जो है दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं। हमने कुछ जो है कि जो झेला है ना, उस तरह का शिक्षक हमको जो नहीं मिला 9th-10th क्लास में, तो हमने सोचा कि नहीं, अपने तो शहर में सीतारी में जो है 10+2 के बच्चों को जो है कि मैथ में प्रॉब्लम ना हो, तो हमने मैथ पढ़ाने का जो है कि है ना को किया कि मैथ पढ़ाएं। और मैथ पढ़ने पढ़ाने में हमको मज़ा जो है कि शुरू से ही है ना रहता था, मैथ में खासकर काफ़ी इंटरेस्ट था। वैसे ज़्यादा हम मैथ के ऊपर स्टडी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो है कि जो समय देते थे थोड़ा बहुत मैथ के ऊपर ही देते थे। और काफ़ी हमने सहयोग भी किया, बहुत गरीब लोग, गरीब बच्चा था, उसको जो है वो बताता था कि सर हमको पैसा का प्रॉब्लम, क्या कि आप पढ़ो मेहनत करो, ठीक है आपको जो समझ में आएगा आप दोगे, है ना। काफ़ी हमने कोऑपरेट किया, वो भी काफ़ी हमको कोऑपरेट किया, ठीक है। बहुत तरह का कोऑपरेशन उन लोगों से भी मिला। आज जो है कि सैकड़ों स्टूडेंट जो है कि जॉब में हैं, कहीं ना कहीं जो है कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है। यदा कदा जो है कि फ़ोन करके है ना पूछते भी रहते हैं कि सर जो है कि अमुक जगह हम अभी जो है काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट सब जो है कि काफ़ी मेहनत करता था उस समय 5-6-7 की बात है कि काफ़ी उस समय जो है कि लड़का मेहनत भी करता था, पढ़ाने में भी मज़ा आता था।
और काफ़ी हमारे पास से स्टूडेंट्स उस समय। ठीक है, तो अभी आपने सुना कि कैसे सर ने एक टीचर से प्रभावित हुए और अपने जीवन में एक प्रोफेशन जो चुने वो शिक्षा का, शिक्षा देना ही अपना प्रोफेशन बना लिए। और इसके पीछे इन्होंने बताया कि मेरा एक उद्देश्य और था, बचपन से ही ये उद्देश्य था कि अपने ऐसा कोई काम करे जिससे जो है समाज का विकास हो, मेरे आसपास के छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा मिले, इसके लिए जो है इन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था, तो ऐसे ही प्रोफेशन को चुने। ठीक है, तो अगला सवाल है आपसे सर कि आप कब से इस प्रोफेशन में हैं? देखिए सीतामढ़ी में हम 2005 से जो है कि पढ़ाते आ रहे हैं, अभी तक जो है 2005 में शुरू किया और अभी तक जो है पढ़ाते आ रहे हैं, और 2005 से 13-14 तक जो है कि काफ़ी ढंग मैंने अच्छा स्टूडेंट लेबोरियस स्टूडेंट्स मेरे पास आया करता था, पढ़ता था, जैसे कहते थे वैसे काम करता था। और अभी 2-3 सालों से है हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है कि पढ़ाई नहीं करता है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो जो है कि स्मार्टफोन है, कि लड़का के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और स्मार्टफोन का वह मिसयूज करता है, यूज नहीं करता है, मिसयूज आप कह सकते हैं, मिसयूज करता है। और पहले जो है कि गार्जियन भी ध्यान देते थे, गार्जियन भी हमसे मिला करते थे, मिलते थे कि हमारा बच्चा क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। लेकिन अभी का जो गार्जियन जो 2-3 सालों से जो है जो हम देख रहे हैं कि गार्जियन का भी आना बंद हो गया, गार्जियन जो है भी ध्यान नहीं देते हैं, क्या कारण है, बच्चा जो है कि गार्जियन का बात नहीं मानता है, इसके कारण जो है कि नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा। और एक कारण है कि इसमें सरकार भी दोषी हैं, है ना, खासकर नीतीश बाबू जो हैं, है ना, इसके पीछे जो है कि काफ़ी उनका हाथ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने जो है ना बर्बाद कर दिया है, और स्वास्थ्य है ना हेल्थ को भी उन्होंने बर्बाद किया, और ख़ासकर शिक्षा को तो उन्होंने तो है ना पूर्णतः जो है ख़त्म कर दिया। जो भी जो उन्होंने बहाली किया, जैसे तैसे उन्होंने बहाली कर दिया को, है ना, बहाली होने से पहले जो है कि मैंने क्या हम कह सकते हैं, बहुत जो है वो उतना जो है, अगर हम कुछ उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो कल ही मेरे ऊपर जो है कि FIR न हो जाए, ठीक है, बहुत कारण है। तो अयोग्य लोग जो है कि शिक्षा व्यवस्था में जो है, मैंने शिक्षक जो बने वो अयोग्य लोग सब जो है, ज़्यादातर जो लोग जो हैं अयोग्य लोग चले गए, और उनका उद्देश्य पहले तो का शिक्षक जो हुआ करते थे कि वो जो है कि पढ़ते थे पढ़ाते थे, अभी का शिक्षक आप देखेंगे 90% के करीब में वो पढ़ाने के साथ साथ बहुत तरह का काम करते हैं, LIC का भी काम करते रहते हैं साथ में जो है, बहुत तरह का काम करते रहते हैं, कभी किताब तो पढ़ते नहीं हैं, स्कूल में जो है आप जाएंगे तो वहाँ ये देखेंगे, है ना, कि मैडम लोग भी रहती हैं, सर लोग भी रहते हैं, मैडम सर दोनों बैठकर बात किया करते रहते हैं, ठीक है। पढ़ाई तो पूरी तरह से जो है बिहार सरकार का जो है स्कूल जो है पूरी तरह से जो है कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ हम और उसमें जोड़ना चाहते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल का भी स्थिति अब ठीक नहीं रहा, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल जो है कि मेरे निगरानी में चलता है, ठीक है, और वहाँ जो है कि जो लड़के जो शिक्षक आते हैं जो जिनके जिनके जिनका डिग्री ऑनर्स PG तक किए हुए हैं, PG हैं, लेकिन वो तीसरा चौथा के लड़का को वो ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके पास तो डिग्री तो है ना, है ना, है, लेकिन नॉलेज नहीं है। ये 4-5 सालों में है ना, 4-5 सालों में खासकर जो है कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है कि बिहार में आया हुआ है, ठीक है। तो व्यवस्था तो काफ़ी जो है कि गड़बड़ा चुका है, फिर भी लड़का से हम अपील करेंगे, लड़का से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है कि सेल्फ स्टडी करो, रियलिटी को समझो, क्योंकि आप जब तक रियलिटी को नहीं समझोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, रियलिटी को समझने कब समझोगे, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छे लोग कौन हैं, है ना, मार्केट में जो है कि कौन आपके ऊपर जो है सही में ध्यान देते हैं, कौन आपको बरगलाते हैं, ठीक है, ये आपको खुद सोचना है, ठीक है सर। तो आपने अभी सुना क्या कि अभी का जो शिक्षक है और पहले के जो शिक्षक है उनमें भिन्नता आ गई है। मेन रूप से मेनली सर का कहना ये है कि अभी के जो शिक्षक है बहुत धंधीय हो गए हैं, अर्थात उनका जो एम है, लक्ष्य है, वह सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं रह गया है, जिसके कारण
बच्चे को वो सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सर की मेन रूप से ये कहना है, अपने आज तक के अनुभव में मैं पहले भी बताया था, लगभग 15 साल के जो अनुभव है इसके आधार पर सब बताया है। मेरा अगला सवाल भी इसी कोटि से था कि आप पहले से ही कोचिंग करा रहे हैं तो बताइए कि पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में क्या अंतर आया है। वैसे आपने कुछ बोला भी है, यदि और कुछ कहना चाहते हैं तो। देखिए बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। पहले जो है 4 साल पहले जो है 4 साल 5 साल पहले जो के जो बच्चे थे बच्चे जो है ना सेल्फ स्टडी करते थे, शिक्षक जो कहते थे वो करते थे। अभी जो है कि वो ये है ना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी स्मार्टफोन देखते हैं और 10 मिनट अजय सर का वीडियो देख लेते हैं, 10 मिनट उस है ना दूसरे सर का वीडियो देख लेते हैं, 10 मिनट उनका देख लेते हैं। ठीक है, उनको इंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, पढ़ाई से उनका कोई अब विशेष लगाव नहीं रहा। वैसे तो कुछ लड़का जो है आज भी अच्छा कर रहा है ना अपने क्षेत्र में जो है 7वां 8वां क्लास में ही वो है ना उन बच्चों को पता चल जाता है कि है ना मेरा है ना ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, हमको है ना मेरा हम क्यों आए हैं। ठीक है, वो उसको 4था अब मैंने 7वां 8वां में पता चल जाता है। 2-3% ऐसे स्टूडेंट है जो उस समय ही है ना सोच लेते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। और वो लड़का जो आज जो अच्छा कर रहा है तो अपने सेल्फ स्टडी के बदौलत कर रहा है, सेल्फ स्टडी है ना करके वो कर रहा है। अभी का जो लड़का है सर जो है ज़्यादातर आप देखेंगे तो स्मार्टफोन का जो है कि स्मार्टफोन जो है कि का यूज करता है, मैंने मिस यूज करता है, यूज क्या करता है मिस यूज करता है। और गार्जियन को भी जो है ना कहता है कि जो है कि बिना स्मार्टफोन के द्वारा जो है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। और गार्जियन भी है ना जो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको ही लगने लगता है कि मेरा बच्चा जो है कि होशियार हो गया है। ठीक है, तो स्मार्टफोन खरीद देते हैं और स्मार्टफोन से क्या करते हैं रात में जो है लड़का लोग जो है मैक्सिमम सब लड़का खराब हो गया है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि रात को जो है ना अपना जो है कि यूट्यूब पर जो है सिनेमा देखते रहते हैं। सवेरे कभी आया ट्यूशन किया, कभी नहीं किया, कभी कोई बहाना बनाया। ठीक है, अगर कुछ कहिए तो उसको दिक्कत होता है, अब आना बंद कर देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम है ना हम देख रहे हैं 3-4 सालों से है ना हुआ है। तो अभी का लड़का मेन है कि सेल्फ स्टडी नहीं करता है और यही सब चीज़ है। तो आपने सुना कि किस तरह से विद्यार्थियों को जो वर्क होनी चाहिए, विद्यार्थी का जो अपना एक काम है उस पर वो कैसे केंद्रित नहीं रहते हैं और आधुनिकता आई है। ठीक है, स्मार्टफोन पर सर ने सबसे ज़्यादा सवाल उठाया कि आज के बच्चे ज़्यादा स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं तो मिसयूज करते हैं। कहने का सर का अर्थ ये है कि कैसे प्रयोग तो होना ही चाहिए, आधुनिकता आई है तो आधुनिक उपकरण का उपयोग होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग सही हो, शिक्षा सीखने के काम में होना चाहिए, नहीं कि उसका दुरुपयोग हो। तो यदि इंटरमीडिएट के छात्र सुन रहे हैं तो इन सब बातों पर ध्यान देंगे, यही सर बताना चाह रहे हैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों की ये जो आदत है उनके जीवन में कैसे जो है उतार चढ़ाव लाता है, कैसे उन्हें नीचे की ओर ले जाता है। ठीक है सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि पहले की जो सिलेबस था और अभी के सिलेबस है, क्या उसमें कोई फेरबदल हुई है क्या? देखिए सिलेबस तो वही है, वही पढ़ना पढ़ाना है। ठीक है, और वही बच्चों को भी पढ़ना है। अब जो है कि पहले जो है कि ऑब्जेक्टिव मैथ में जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आता था, अभी जो है कि 2-3 सालों से जो है कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहता है तो सब्जेक्टिव बना ले, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, थ्योरी को क्लियर कर ले। थ्योरी को क्लियर करने के बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेने के बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट होता है ना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बन जाता है। तो मेन है कि उसको जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जो है कि चीज़ों को है ना पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, थ्योरी को समझना चाहिए। और थ्योरी को समझने के लिए देखिए कोई भी टॉपिक है, जैसे डिफरेंस मैथ में तो बहुत सारा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन हो गया, फंक्शन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया है ना, 3D हो गया,
वेक्टर हो गया, ये सब जो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, इन चीज़ों को समझना है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ उसने वो समझने लगे तो फिर जो है कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, इवेंट पढ़ना है, टाइप ऑफ इवेंट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत सारा बेस थ्योरम है ना, रैंडम वेरिएबल, ये सब बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। कैलकुलस में आप जाएंगे तो डिफरेंशिएशन हो गया है ना, इंटीग्रेशन हो गया है ना, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, रॉले थ्योरम हो गया, उन चीज़ों को समझना है। और थ्योरी समझ लेने के बाद क्वेश्चन जो है उस पर दो चार क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, किसी एक ही किताब का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समय तो उनको देना होगा, 6-7 घंटा जो है उनको पढ़ना होगा, क्योंकि फिजिक्स उनको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो कम से कम 6-7 घंटा उनको जो है सेल्फ स्टडी करना होगा। तो कैसे आपने सुना कि अभी किस सिलेबस में, पहले किस सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है? हाँ, चेंजिंग हुई है तो मार्क्स में चेंजिंग हुई है। पहले ऑब्जेक्टिव कम रहता था, अभी ऑब्जेक्टिव की 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है अभी जो है। ठीक है सर, आपके सामने बता भी रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है बढ़ा दिया गया, 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, सब्जेक्टिव भी 50% है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सही शिक्षा करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सर, इसी क्रम में हम आपसे अगला सवाल पूछने जा रहे हैं, जो खासकर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सर, आप इतने दिनों से इस प्रोफेशन में हैं तो इसका अनुभव आपको होगा कि इंटरमीडिएट में विद्यार्थियों को ये आशा रहती है कि हमको अधिक से अधिक अंक आए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं विद्यार्थियों? पहले तो है ना, अंक पर उसका फोकस नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो है ये नहीं होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम नंबर लाएं। बहुत लोग हैं जिनके पास जो है बहुत अंक है ना, पीजी भी कर चुके हैं, लेकिन जो है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? मेन उद्देश्य होना चाहिए नॉलेज, किसी चीज़ को जानना है। यदि वह है ना कोई भी सब्जेक्ट को ही जान जाता है तो किसी गाँव में बैठ कर भी वो पढ़ा सकता है और उसको पैसा मिलेगा और वो कमाएगा, या कोई जॉब कर सकता है। ठीक है, तो जॉब पर तो ऐसे आधारित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब तो जो है बहुत सारा चीज़ परिवर्तन है ना होते है ना आ रहा है, बहुत परिवर्तन हुआ है और होगा। मेन नॉलेज पर उसका फोकस होना चाहिए। अगर वो मान लिया पढ़ता है तो नंबर तो आना ही है। ठीक है, नंबर के लिए ये जो है कि एक तरीका और ये होता है कि हम जो है कि फार्मूला को रट ले, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो नंबर आ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो पाएगा, है ना। फिजिक्स में जैसे 50 को क्वेश्चन जो है 10 साल का क्वेश्चन बैंक जो है का प्रैक्टिस कर लिए, उसको रट्टा मार लिए, रट गए है ना, और परीक्षा के समय वोमिटिंग करती है, तो फिजिक्स में तो नंबर उसको अच्छा आ गया, मैथ में भी नंबर आ गया, केमिस्ट्री में भी आ गया, लेकिन उस है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना बच्चा जो है वो नहीं समझा कि मैथ होता क्या है, फिजिक्स होता क्या है। तो मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, और यदि वो समझता है, कोई भी चीज़ जान जाता है, कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री है या अंग्रेजी है ना, अगर उस पर पकड़ बना लेता है तो कहीं भी जो है ना जीवन में जो है कि वह अच्छा करेगा। जॉब भी अगर करना चाहेगा तो जॉब में भी वो जो है कि जॉब भी कर लेगा। तो नॉलेज पर मेन फोकस होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम है ना चीज़ों को समझें, है ना सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, तो आपने अभी समझा कि किसी भी विद्यार्थी को अंक पे ज़्यादा जो है जोर नहीं देना चाहिए, अर्थात उसे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, कैसे जो है अपने सर सिलेबस को पूरा करें। अब अपने अर्थात सारे चीज़ का एक निचोड़ है कि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जब कर्म करेंगे तो फल क्यों नहीं मिलेगा। मेन रूप से सर का कहना है कि फल की चिंता तो करनी नहीं चाहिए, और जब हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है क्या करें, कर्म करें, कम से कम 7-8 घंटा जो है कि है ना सेल्फ स्टडी जो है बच्चा करे, अर्थात 7-8 घंटा विद्यार्थी को अवश्य इंटरमीडिएट के छात्रों को मेहनत करना चाहिए। इसी क्रम में सर, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस परिवार में उनके बड़े भाई या बड़ी बहन हो, मने होते हैं, वो तो
विद्यार्थी को बता देते हैं कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन जो विद्यार्थी गांव से आते हैं, जो अपने परिवार में खुद बड़े बच्चे होते हैं, उन्हें ये अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। कई बार जो है मैंने इंटरव्यू में देखा है, प्रोफेसर लोगों से पूछते रहते बच्चे कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक का चयन करे ताकि हमको सुविधा हो पढ़ने में, परीक्षा में अच्छा जो है मार्क्स लाए, अच्छा जो है करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो है कि हम भी जब पटना में थे तो मैथ का बहुत सारा किताब खरीद लिए थे, अनुभव नहीं था, ठीक है, और कभी जो है टीचर से बात नहीं किए, खुद जो समझ में आता था वही करते थे। मेरा मानना है कि जैसे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, उसमें जो है कि ज़्यादा है ना मैथ का दो किताब रखना चाहिए। जैसे एक किताब तो एनसीईआरटी का होना ही चाहिए, साथ में आरएस अग्रवाल का किताब हो, आरएस अग्रवाल एक किताब हो, यानी हेल्प बुक कोई है ना एक होना चाहिए। मेन आपका फोकस तो एनसीईआरटी पर होना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी पर मेन फोकस होना चाहिए। एनसीईआरटी को बार बार जो है कि पढ़िए, समझिए, है ना, फिर उसको पढ़िए, फिर समझिए, ठीक है, और जहाँ दिक्कत होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप आरएस अग्रवाल का हेल्प ले सकते हैं, आरएस अग्रवाल का जो किताब है उससे हेल्प ले सकते हैं। फिजिक्स में जैसे हो गया कि एनसीईआरटी तो आपके पास होना चाहिए, और एनसीईआरटी को ही बार बार आप पढ़ें, जहाँ दिक्कत होता तो साथ में एक और किताब आप एससी वर्मा साथ में एक किताब रखे हेल्प बुक, है ना, जहाँ दिक्कत होता है तो एससी वर्मा को पढ़ें, ठीक है। तो और लेकिन किसी एक चीज़ को बार बार पढ़ने से बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है, तो फिजिक्स में भी दो किताब आप रख सकते हैं, ठीक है, एक एनसीईआरटी का किताब होना चाहिए, एक एससी वर्मा का किताब होना चाहिए। और केमिस्ट्री में तो मेरा मानना है कि सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार वो प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो सफिशियंट है, एनसीईआरटी का ही सिर्फ प्रैक्टिस करें, बार बार एनसीईआरटी को पढ़े, समझे, ठीक है। अगर सब चाहता है कि एक हेल्प बुक हम रखें तो एबीसी है ना, है एबीसी का एक किताब वो रख सकता है, ठीक है, लेकिन वो बार बार उसका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो होना चाहिए एनसीईआरटी पर ही मेनली फोकस होना चाहिए, बार बार उसी को पढ़े, समझे, और जहाँ दिक्कत होता है तो जो हेल्प बुक हमने बताया केमिस्ट्री में एबीसी और फिजिक्स में एससी वर्मा और मैथ में जो है कि आपको आरएस अग्रवाल, ठीक है, तो ये हेल्प बुक हो गया, इसमें जो है इसका हेल्प आप ले सकते हैं, लड़का ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसका मेन फोकस एनसीईआरटी, उसी को बार बार पढ़े, समझे, तो वो चीज़ जो है ना कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ है। सेकेंड क्या कि ये सब तो है ना, अभी जो ट्यूशन जो हम देखते हैं मार्केट में दो तीन सालों में जो है कि अभी जो शिक्षक लोग जो आए हैं तो उसमें जो देखते हैं कि ज़्यादातर जो है अपने है ना क्लासरूम में म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं, पहले जो है लड़का को डांस वंस करवाते हैं, फिर है हंसी मजाक करवाते हैं, मेन उनका पढ़ाई पर फोकस नहीं होता, और लड़का को भी वो अच्छा लगता है, लड़का को भी वह अच्छा लगता है, और लड़का को बाद में चार साल बाद तो पता चलेगा ही कि हमारे साथ क्या हुआ। तो टीचर जो लोग ये कर रहे हैं अभी जो है लोग मैक्सिमम कि उनका मकसद होता है कि लड़का से हम पैसा कैसे कमा ले, कैसे ऐंठ ले, है ना, लड़का को कैसे खुश रखे। अरे लड़का को खुश रखना है कि लड़का को पढ़ाना है आपको, लड़का को जो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको जो है सभी लोग अगर आप करते हैं, अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपके पास लड़का होगा ही होगा, लेकिन लड़का जो है तो मैट्रिक नौवां दसवां में तो पढ़ कर आता नहीं है, वहाँ भी जो है कि उस तरह के टीचर जो है कि सरस्वती पूजा करवाते हैं तो कुछ करवाते हैं तो कुछ करवाते हैं, डांस करवाते हैं, उसी में इंगेज रखते हैं, वो जो है कि होल सिलेबस तो पढ़ाते नहीं है, तो यही सब करते हैं ना करवाते रहते हैं। ये हम ये नहीं कहते कि सरस्वती पूजा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जिस दिन सरस्वती पूजा है हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को हम खूब मानते हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है कि शिक्षक अभी जो कि शिक्षक मैक्सिमम शिक्षक जो है काफ़ी चालू पुर्जा आप कह सकते हैं कि लड़का को बेवकूफ़ कैसे बनाए, ठीक है, तो बेवकूफ़ है ना बना भी रहे हैं, लड़का बन भी रहा है, ठीक है, तो ये सब खामियां जो हमारे समाज में जो है कि आया है। और इस पर अगर आप प्रश्न करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि लो है ना कि आप लोग के सोच के ऊपर जो है कि प्रश्नवाचक लगाते हैं, अरे लोग के सोच के ऊपर प्रश्नवाचक हम नहीं लगाते हैं, लेकिन आज भी कितने लोग रियल में है ना पढ़े लिखे हैं, अभी तो इंटर में मैक्सिमम चार पाँच सालों से हम देख रहे हैं कि लड़का अब साक्षर हो जा रहा है,
और उसको सिग्नेचर करने आता है, तो है ना थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना बोल लेता है, लेकिन फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसको ये सब पता नहीं है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे लिखने के लिए तो नहीं लिख पाएगा। हम मैथ की बात करते हैं, क्यों फिजिक्स में जाए। मैथ में जो है कि डोमेन रेंज आप उससे पूछेंगे कि डोमेन रेंज होता क्या है, कंटिन्यूटी होता क्या है, नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि वो जो है ना 10 मिनट कभी उस सर का वीडियो देखते हैं, कभी 10 मिनट उसका वीडियो देखते हैं, दिन रात जो है स्मार्टफोन में लगे रहते हैं। तो लड़का का भी दोष है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो काम करता है, 6-7 घंटा पढ़ता है, डेली पढ़ता है, घर में अगर शादी ब्याह हो उस दिन भी वह लड़का पढ़ता है, और वो लड़का सफल तो हो ही रहा है, और मुट्ठी भर इतिहास भी गवाह है कि मुट्ठी भर लोग जो है कि अपने जीवन में सफल होते हैं, तो मुट्ठी भर लोग तो सफल हो ही रहे हैं। लेकिन मान लिया कि अगर थोड़ा पढ़ाई लिखाई ढंग से करता तो समाज में जो है समाज का विकास होता, समाज में है ना रहन सहन में बदलाव आता, बहुत सारा चीज़ है समाज में जो है कि रहकर जो है वह टीचर जो है कि छोटे छोटे बने वहाँ जो समाज में जो बच्चा है उसको जो है पढ़ाता है ना, ताकि हमारा देश जो है कि आगे बढ़ता है ना, देश का विकास होता। तो आपने अभी सुना कि कैसे किस बुक का चुनाव करना चाहिए, तो सर के अनुसार से कि किसी एक बुक का निर्धारण होना चाहिए और उसी बुक को बार बार गहन अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आपकी गुणवत्ता में जो है वह गहराई हो, आप किसी चीज को अंदर से जान सके, फील कर सके कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और एक बाद में चलकर जो है जब हम उस मेन बुक को पूर्ण रूपेण पढ़ लेते हैं तो एक हेल्प बुक होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, और उससे अभ्यास करें। तो चलिए एक चीज़ हम उसमें और जोड़ना चाहते हैं कि जैसे परीक्षा के नज़दीक जो है जब से सिलेबस उनका ख़त्म हो गया, तो परीक्षा के नज़दीक जो है कि 10 साल का क्वेश्चन बैंक जो होता है प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन उसको बार बार बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस समय तो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो तो नॉलेज है ना ले लिया रहता है, और परीक्षा के व्यू से जो है एक 1.5 महीना समय है, तो उस समय जो है 1.5 महीना में क्या करना चाहिए कि 10 साल का क्वेश्चन जो है उनको बनाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही खास एक विशेष बात सर ने बताया कि जब विद्यार्थी पूरे किताब की गहन अध्ययन कर लिए हों, प्रैक्टिस बुक का जो है प्रैक्टिस कर लिए हों, तो जब परीक्षा की जब थोड़ा दिन बचे 3-4 महीना नहीं 1-1.5 महीना 1-1.5 महीना बचे सर के अनुसार से, तो उसमें 10 साल की क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको परीक्षा में घबराहट नहीं होगी और अधिकांश क्वेश्चन की सॉल्व और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 95+ आ जाएगा नंबर, ठीक है। अगर 10 साल का क्वेश्चन बना लेते हैं लड़का बना लेता है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आएगा, ठीक है। वो तो नॉलेज के लिए हम कह रहे हैं कि आदमी को है ना, ये नहीं कि परीक्षा में मार्क्स, अरे आपको मैथ सीखने आए हो, किसी टीचर के पैसा आप देते हैं तो वहाँ मैथ सीखने जाते हो है ना। पहले ही लड़का जाता है तो किसका जो है कि लड़का है ना बात करता रहता है कि किसका क्वेश्चन जो है गेस जो है किसका अधिक से अधिक लड़ता है, तो उसी टीचर का जो है चुनाव करता है लड़का। भाई जो है कि पहले तो है ना तुम चीज़ों को है ना सब्जेक्ट को समझो, आ गेस क्या होता है, 10 साल का क्वेश्चन तुम बना ना लो, 10 साल का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो हमको लगता है कि वो है ना पर किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो है नंबर 95+ ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। मेन रूप से सर का जो कहना है कि आप ऐसी पढ़ाई करें जो इंटरमीडिएट में ही अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह जाए, आपके जीवन में भी वह पढ़ाई काम दे, आपकी जीवन को वह सफल बनावे, आप जो प्रोफेशन चुने उस प्रोफेशन में आपको वह पढ़ाई क्या करे, मदद करे, ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए सर बोले, नहीं कि इंटरमीडिएट की अंक प्राप्त करने के लिए ऐसी पढ़ाई पढ़े। तो इसके लिए सर ने बताया बहुत अच्छा उपाय एक कि पहले तो गहन अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद जब एग्जाम की 1.5 महीना बची उस बीच में उसे 10 साल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल मैं अपने तरफ से पूछना चाहता हूँ सर, अभी ऐसा माहौल भी है मॉडर्निटी का, तो इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले के जो छात्र आपके पास आते थे, अभी भी आपके पास छात्र आते हैं, तो क्या उसके रहन सहन अर्थात लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग आया? काफ़ी बदलाव आया है, पहले का जो है छात्र जो है काफ़ी
ऑनेस्ट ईमानदार होता था, है ना, अनुशासित होता था, अनुशासन में रहता था, जो कहते थे वही करता था। अभी का जो लड़का, अभी का जो माहौल है, उसको ये लगता है कि हम जो है कि सब चीज़ जान गए हैं। वो दिन भर वीडियो देखता रहता है ना, स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ रहता है, सही चीज़ तो देखता नहीं है। तो अभी जो मेन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि पढ़ता नहीं है, उसका जो है किताब से जो है काफ़ी जो है कि लगाव ख़त्म हो गया है, पढ़ाई लिखाई से लगाव ख़त्म हो गया है। माता पिता का भी नहीं वह सुनता है, ठीक है। तो उसमें माता पिता का भी रोल है, शिक्षक का भी रोल है, सिर्फ बच्चा का ही। अगर माता पिता है ना ठीक से केयर करे, शिक्षक जो है ध्यान दे, दिग्भ्रमित न करे, तो है ना बच्चा, आज भी बच्चा तो बच्चा है, उसको तो हम जिस तरह से बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा, ठीक है। वो हम लोग के हाथ में है, है ना। इसमें जो है समाज का है ना, समाज में जो लोग हैं है ना, वो लोग दोषी हैं, लड़का ये सिर्फ दोषी नहीं है, ठीक है। और अंतिम मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो भी लड़का अच्छा करना चाहता है तो वह कम से कम 6 से 7 घंटा जो है, 6 से 7 घंटा जो है कि सेल्फ स्टडी करे, है ना। और जो अच्छे टीचर हैं, है ना, वो खुद जो है देखें कि कौन है ना रियल में, है ना, उनके समस्या को सुलझा रहे हैं। अब ऐसे हंसी मजाक अगर लड़का चाहता हो, करना चाहता हो, तो बहुत लोग हैं वो कर सकता है, लेकिन अच्छे लोग से जुड़ेंगे तो निश्चित है कि वह अच्छा करेगा। लेकिन 6 से 7 घंटा उसको स्टडी करना होगा, माता पिता को भी है ना ये उनको बच्चा को समझना चाहिए कि हमारे माता पिता जो है कुछ पूछते नहीं हैं, वो तो कमाते रहते हैं, पैसा देते हैं, पैसा का हम मिस यूज न करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है कि होना चाहिए, ठीक है। तो सर ठीक है, तो सर ने आप लोग को बताया कि कैसे विद्यार्थी की भूमिका कहाँ है, कहाँ पे पेरेंट्स की भूमिका है, कौन सी बुक की कैसी जो है चुनाव करना चाहिए, कैसे अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें आपने सुना और आपको पसंद भी आया होगा। सर ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि किसी भी विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए उस विद्यार्थी की भूमिका के साथ साथ उनके माता पिता और हमारे समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण रखता। तो समाज उनके पेरेंट्स है, समाज में जो लोग हैं वह विद्यार्थियों को अच्छा सजेशन दे, अच्छा मैसेज दे, अच्छा वर्क करे, ताकि उसके अगल बगल की जो भी विद्यार्थी है उससे मैसेज ले और वो भी अच्छा वर्क करे, ठीक है सर। तो आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स।